तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 7वीं की विज्ञान के बारे में। तो इसमें एक चैप्टर हम लोग देख चुके हैं, पहला था हमारा पादपों में पोषण। आज बात करने वाले हम लोग अध्याय 2 के बारे में, प्राणियों में पोषण। प्राणियों में पोषण बार बार वही बोलता रहता हूँ कि याद रखिए, इन्हें एक कहानी की तरह पढ़िए बुक्स को एक दो बार, ठीक। इसमें ऐसा भी कोई शब्द नहीं मिलेगा जिसकी परिभाषा आप ना समझ पाए सकें। अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो सभी शब्द आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक। और याद रखिए, एनसीईआरटी आपके लिए पढ़ना जरूरी है। अगर आप सिविल सर्विस या स्टेट पीसीएस कोई अच्छे से निकालना चाहते हैं तो एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। प्राणियों में पोषण अध्याय, आपने एक अध्याय में क्या पढ़ा है? पादपों या पौधों, पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बना सकते हैं, परंतु प्राणी जंतु ऐसा नहीं कर सकते हैं। प्राणी अपना भोजन प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं। कुछ प्राणी सीधे ही पौधों का भक्षण करते हैं, जबकि कई अन्य उन जंतुओं को अपना आहार बनाते हैं जो पौधे खाते हैं। कुछ जंतु पौधों एवं जंतु दोनों को खाते हैं। याद रखें कि मानव सहित सभी जीवों को वृद्धि करने हैं, शरीर को स्वस्थ और गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। प्राणियों के पोषण में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। आहार के अंतर्ग्रहण, भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सन्निहित सम्मिलित होती है। कार्बोहाइड्रेट जैसे कुछ संघटक जटिल पदार्थ हैं। अनेक जंतु इन जटिल पदार्थों का उपयोग सीधे इसी रूप में नहीं कर सकते, अतः उन्हें सरल पदार्थों में बदलना आवश्यक है, जैसा निम्न आरेख द्वारा दिखाया गया है। जटिल खाद्य पदार्थों का सरल पदार्थ में जटिल खाद्य पदार्थ हो गए सरल पदार्थ में बदल दिए गए। पदार्थों में परिवर्तन होना या टूटना विखंडन कहलाता है, तथा इस प्रक्रम को हम लोग पाचन कहते हैं। खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियां, भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। मधुमक्खी एवं मरमर पक्षी हम्मिंग बर्ड पौधों का मकरंद चूसते हैं। मानव एवं कुछ अन्य जंतुओं में शिशु माँ का दूध पीते हैं। अजगर जैसे सर्प वंश के प्राणी अपने शिकार को समूचा ही निगल जाते हैं। कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास के पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छानकर उनका भक्षण करते हैं। सारणी 2 में दिए गए जंतुओं के भोजन के प्रकार एवं पोषण प्राप्त करने की विधि कौन सी है? आपने भोजन विभिन्न भागों से गुजरता है, उसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता है। आमाशय की आंतरिक भित्ति छिद्रांत तथा आहार नल से संबंधित विभिन्न ग्रंथियां जैसे लाल ग्रंथि हो गई, यकृत, यज्ञाशय, पाचन, पाचक रस स्रावित करती हैं। पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदल देते हैं। आहार नल एवं समृद्ध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। स्टारफिश तारा मछली कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। कवच खोलने के बाद यह अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालती है तथा जंतु के कोमल भागों को खाती है। आमाशय वापस शरीर में चला जाता है तथा आहार धीरे धीरे पचता है। यह आपका मुख गुहिका हो गया, ठीक है। यह आपका लाल लाल या लार ग्रंथि हो गई। यह आपका ग्रस्थिका हो गया, पाइप, ठीक। ये आपका यकृत हो गया। ये आपका यहाँ पित्राशय, ये आपका आमाशय, ये आपका अग्नाशय, ये आपका क्षुद्रांत, और ये आपका बृहदान्त और मलाशय और गुदान्त, ठीक है। आप देखेंगे कि सारणी में नीचे दिए गए खाद्य पदार्थ खाद्य अंतर्ग्रहण की विधियां उन विधियों का विवरण लिखने में सहायक जिनसे जंतु भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। मानव में पाचन बात करते हैं। मानव में पाचन किस तरह से होता है उसे देखते हैं।
हम अपने मुख द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं, इसे पचाते हैं तथा फिर उसका उपयोग करते हैं। आहार का बिना पचा भाग मल के रूप में निष्कासित किया जाता है। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि शरीर के अंदर भोजन का क्या होता है? भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो मुख गुहिका से प्रारंभ होकर गुदा तक जाती है। इस नली को विभिन्न भागों में बांट सकते हैं, मुख गुहिका, ग्रास नली या ग्रेसिका, आमाशय, छुद्रांत, छोटी आंत इसे बोलते हैं, बेहदांत, बड़ी आंत जो मलाशय से जुड़ी होती है, तथा मलद्वार अथवा गुदा। क्या यह बहुत लंबा मार्ग नहीं है? ये सभी भाग मिलकर आहार नल यानी कि पाचन नली का निर्माण करते हैं। जैसे जैसे भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है, जैसे जैसे सॉरी यहाँ भोजन विभिन्न भागों से गुजरता है, उसके विभिन्न घटकों का पाचन भी क्रमिक रूप से होता जाता है। आमाशय की आंतरिक भित्ति, छुद्रांत तथा आहार नाल से संबंध विभिन्न ग्रंथियां, जैसे लाला ग्रंथि हो गई, यकृत हो गया, अग्नाशय पाचक रस स्रावित करते हैं। पाचक रस जटिल पदार्थों को उनके सरल रूपों में बदल देते हैं। जो आपका पाचक रस होता है, ये जो जटिल पदार्थ होते हैं उन्हें सरल रूपों में विभक्त कर देते हैं। आहार नाल एवं समृद्ध ग्रंथियां मिलकर पाचन का निर्माण करती हैं। यह है आपका मानव पाचन तंत्र। अब बात करते हैं मुख एवं मुख गुहिका। भोजन का अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया को अंतर्ग्रहण कहलाती है। या आपके दांतों की व्यवस्था में प्रकार के दांत होते हैं, हम दांतों की सहायता से भोजन को चबाते हैं, यांत्रिक विधि द्वारा उसे छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं। प्रत्येक दांत मसूड़े के बीच अलग अलग गृहिका में धसा होता है, सॉकेट में। हमारे दांतों की विभिन्न भिन्न भिन्न आकृति भिन्न भिन्न है तथा उनके कार्य भी भिन्न भिन्न है। इसके अनुसार अलग अलग नाम दिए गए हैं, कार्य के अनुसार उनका नामकरण किया गया है। ठीक है, अब क्रियाकलाप 2.2 को देखते हैं। अपने हाथ धोइए, दर्पण में देखते हुए अपने दांतों की गणना कीजिए। अपनी तर्जनी से दांतों को छूकर महसूस कीजिए। आपके मुख में कितने प्रकार के दांत हैं? एक सेब अथवा रोटी का टुकड़ा टुकड़ा लेकर उसे काटिए। आप उसे काटने कर्तन एवं दंशन के लिए किन दांतों का उपयोग करते हैं? कौन से दांत खाद्य पदार्थों को चीरने या बेदने और फाड़ने के काम आते हैं? इन दांतों को भी पहचानिए जो चबाने एवं पीसने के काम आते हैं। ये हो गए आपके आगे का, इन्हें किंतक दांत बोलते हैं। इनको हम लोग रदनक दांत, ये अग्र चर्वर्धक दांत, और ये आपके चर्वर्धक दांत हो गए। ठीक है, हमारे मुख में लाला ग्रंथि या लार ग्रंथि होती है जो लाला रस लार स्रावित करती है। क्या आप जानते हैं कि लाल रस का भोजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? दूध के दांत अथवा स्थायी दांत। क्या आपको याद है कि कुछ वर्ष पूर्व आपके दांत गिरने लगे थे? हमारे दांत का प्रथम सेट शैशव काल में निकलता है तथा लगभग 8 वर्ष की आयु तक ये सभी दांत गिर जाते हैं। इन्हें हम लोग दूध के दांत कहते हैं। इन दांतों के स्थान पर दूसरे दांत निकलते हैं जिन्हें स्थायी दांत कहते हैं। सामान्यतः स्वस्थ व्यक्ति के स्थायी दांत पूरे जीवन भर में रहते हैं, यद्यपि वृद्धावस्था में एक प्रयाग गिरने लगते हैं। ठीक है, फिर आपका क्रियाकलाप दो परखनलियां लीजिए, उन्हें ए और बी चिन्हित कीजिए। परखनली ए में एक चम्मच उबलते चावल डालिए। एक चम्मच उबलते उस चावल को में चावल मुख में लेकर 3-5 मिनट तक 3 से 5 मिनट तक चबाइए। इन्हें दूसरी परख नली बी में लीजिए। दोनों परख नली में 3 से 4 ml जल डालिए। अब दोनों परख नलियों में आयोडीन विलयन की 2 से 3 बूंदें डालिए। उनका प्रेक्षण कीजिए। आप परख नली ए तथा बी में क्या अंतर देखते हैं? परख नली के रंग में परिवर्तन क्यों आता है? परिणाम की
अपने मित्रों एवं अध्यापकों से कीजिए। लाल रस या जो लाल रस होता है चावल के मंड को शर्करा में बदल देता है। जीभ एक मौसल पेशी अंग है जो पीछे की और मुख गुहिका के अधर तल से जुड़ी होती है आपकी। इसका अग्र भाग स्वतंत्र होता है और किसी भी दिशा में मोड़ सकता है। क्या आपको जीभ के कार्य ज्ञात हैं? हमने बोलने के लिए जीभ का उपयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त यह भोजन में लार को मिलाने का कार्य करती है तथा निगलने में भी सहायता करती है हमारी जीभ। जीभ द्वारा ही हम स्वाद का पता चलता है। जीभ पर स्वाद कलिकाएं होती हैं जिनकी सहायता से हम विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है या लगाते हैं। क्रियाकलाप 2.4 द्वारा हम स्वाद कलिकाओं की स्थिति का पता लगा सकते हैं। मिठाइयां और दंत छह। सामान्यतः हमारे मुख में जीवाणु पाए जाते हैं परंतु उनमें हमें कोई हानि नहीं होती। उनसे जो जीवाणु पाए जाते हैं उनसे हमें कोई हानि नहीं होती। फिर भी खाने के पश्चात यदि हम दांत एवं मुख साफ न करें तो मुख में अनेक हानिकारक जीवाणु वास करके वृद्धि करने लगते हैं। ये जीवाणु आपके दांतों के बीच फंसे भोजन की शर्करा का विघटन कर अम्ल निर्वचित करते हैं। यह जानने के लिए कि अम्ल क्या है, यह अम्ल धीरे धीरे दांतों को क्षति पहुंचाते हैं। इसे दंत क्षय कहते हैं। यदि समय रहते इसका उपचार ना किया जाए तो दांतों में असह्य पीड़ा होने लगती है तथा चरम अवस्था में टूट कर गिर जाते हैं। चॉकलेट, ठंडे पेय तथा चीनीयुक्त मिठाइयां व अन्य पदार्थ दंत क्षय के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 2 बार ब्रश अथवा दातुन करनी चाहिए। कुछ भी खाने के तुरंत बाद खुला करना चाहिए। मुख के अंदर गंदी अंगुली अथवा बिना धुली वस्तु नहीं डालनी चाहिए। ठीक है, अब आपका क्रियाकलाप 2.4। निम्न पदार्थों के अलग अलग विलयन तैयार करना है। चीनी का विलयन, नमक का विलयन, नींबू का रस, नीम की पत्ती। अपने किसी मित्र को की आंखों पर पट्टी बांधकर उससे अपनी जीभ बाहर निकालकर सीधे रखने को कहिए। अब आप लोगों को ये नहीं करना है, ठीक है, पढ़ के निकल जाना है। ये तो उनकी जिनके लिए किताब बनाई गई है कक्षा 7वीं के बच्चों के लिए, वो करते रहेंगे इस तरह की प्रैक्टिकल। ठीक है, आपको बस पढ़ना है और निकल जाना है। चित्र 2.6 में दिखाए गए जीभ के विभिन्न क्षेत्रों के उपयोग। उपरोक्त में किसी एक विलयन के नमूने की 1-2 बूंदे रखें। विलयन रखने के लिए दांत कुरेदने की सींक का उपयोग करें। इस प्रक्रिया को अन्य विलयनों के साथ दोहराएं। प्रत्येक विलयन के लिए पृथक पृथक सींक का उपयोग कीजिए। अपने मित्र से पूछिए कि जीभ के किस क्षेत्र से उसे मीठे, नमकीने, खट्टे, कड़वे स्वाद का अनुभव होता है। अब अपने परीक्षण रिकॉर्ड करें और चित्र 2.6 में दिखाए गए प्रत्येक क्षेत्र में उस स्वाद का नाम लिख सकते हैं। भोजन नलिका, आप आती है आपकी भोजन नलिका। निगला हुआ ग्रास नली अथवा ग्रासिका में जाता है। ग्रासिका गले एवं वक्ष से होती हुए जाती है। ग्रासिका की भित्ति के संकुचन से भोजन नीचे की ओर सरकता जाता है। वास्तव में संपूर्ण आहार नाल संकुचित होती रहती है तथा यह गति भोजन के नीचे की ओर धकेलती रहती है। कभी कभी हमारा आमाशय खाए हुए भोजन को स्वीकार नहीं करता, फलस्वरूप वमन द्वारा उसे बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसी घटना याद कीजिए जब भोजन के बाद अपने वमन किया हो तथा इसके कारण के विषय में सोचिए। अपने अभिभावक एवं अध्यापकों से इस पर चर्चा करना है, आपको नहीं करना। भोजन ग्रसिका आमाशय। ठीक, अब बात करते हैं आमाशय के बारे में। आपको ये टर्म्स जो दिए गए इन्हें क्लियर करते जाना है, निकल जाना है। आपको ज्यादा डीपली में मत घुसना है कि प्रैक्टिकल करते बैठ जाओ और एक बुक को खत्म करने में 1 साल लगा दो पूरी, इतना टाइम नहीं है आपके पास। ठीक है, आमाशय मोटी भीति वाली एक थैलीनुमा संरचना है या चपटा एवं जे की आकृति का होता है। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। यह एक ओर ग्रासिका या ग्रास नली से खाद्य प्राप्त करता है, दूसरी ओर छुद्रांत में खुलता है। आमाशय का आंतरिक
अस्थर सतह श्लेष्मल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस को स्रावित करता है। श्लेष्मल आमाशय के आंतरिक स्तर की सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं। साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बनाता है, जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। पाचक रक्त या जठर रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित करता है। आपका पाचक रस कभी कभी जब आप जल्दी जल्दी खाते हैं अथवा खाते समय आप बात करते हैं, आपको खांसी उठती है या फिर हिचकी आती है अथवा घुटन का अनुभव होता है, या खाद्य कणों के श्वास नली में प्रवेश करने के कारण होता है। श्वास नली नसिका से आने वाली वायु को फेफड़ों तक ले जाती है या ग्रसिका के साथ साथ चलती है, परंतु ग्रसनी में वायु एवं भोजन मार्ग एक ही होते हैं। फिर भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से किस प्रकार रोका जा सकता है? भोजन निगलने के समय एक मांसल रचना वाल्व का कार्य करती है जो श्वास नली को ढक लेती है तथा भोजन को ग्रसनी में भेज देता है। संयोगवश यदि भोजन के कण श्वास नली में प्रवेश कर जाते हैं तो हमें घुटन का अनुभव होता है तथा हिचकी आती है या फिर खांसी उठती है। तो इसका पूरा पैराग्राफ समझाने का आपको यही उद्देश्य है कि खाना खाते समय ना तो बात करें और ना ही जहां तक वो खांसे और ना ही जल्दी खाएं, वरना आपके आगे प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। सोच लीजिए। अब बात करते हैं क्षुद्रांत। लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली है, यकृत अग्नाशय से श्रावित स्राव प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त इसकी भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होते हैं। छोटी आंत। यकृत हरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर अवस्थित होता है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह आपका कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है वनडे एग्जाम में, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो आपको बता सकते हैं, आपको यकृत या पित्तरस स्रावित करता है। यकृत आपका जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है, इसे हम लोग पित्ताशय कहते हैं। पित्तरस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। अग्नाशय हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है जो आमाशय के ठीक नीचे स्थित होती है। अग्नाशयिक रस कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा इनको उनके सरल रूपों में परिवर्तित कर देता है। आंशिक रूप से पचा भोजन अब क्षुद्रांत के निचले भाग में पहुंचता है, जहां आतरस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। वसा वसामल ग्लिसरॉल में तथा प्रोटीन एमिनो अम्ल में परिवर्तित हो जाती है। एक विलक्षण दुर्घटना द्वारा आमाशय की कार्य प्रणाली की खोज हुई। सन 1822 में एलेक्सिस सेंट मार्टिन नामक व्यक्ति गोली लगने के कारण बुरी तरह से घायल हुआ। गोली से वक्ष क्षतिग्रस्त हो गया तथा आमाशय में एक छिद्र हो गया। इसे विलियम ब्यूमोंट नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक के पास ले जाया गया। चिकित्सक ने उसकी जान तो बचा ली, परंतु वह आमाशय का छिद्र भली भांति बंद ना कर सका। उसने छिद्र को पट्टी से ढक दिया। ब्यूमोंट को छिद्र में से आमाशय के अंदर झांकने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ। उसने कुछ रोचक प्रेक्षण किए। ब्यूमोंट ने देखा कि आमाशय भोजन का मंथन कर रहा था। इसकी भित्ति से तरल स्रावित हो रहा था जो भोजन को पचा सकता था। उसने यह भी देखा कि आमाशय क्षुद्रांत में तभी खुलता है जब आमाशय में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। एलेक्सिस सेंट मार्टिन का गोली का घाव। बात करते हैं क्षुद्रांत में अवशोषण। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत की भित्ति में स्थित रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रम को हम लोग अवशोषण कह लेते हैं। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं, जिसे दीर्घ रोम अथवा रसंकुर कहते हैं। क्या आप
क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि देवग्रोम की आत्में क्या भूमिका है? देवग्रोम बचे हुए भोजन के अवशोषण हेतु तलछेद बढ़ा देते हैं। प्रत्येक देवग्रोम में सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला रहता है। देवग्रोम की तरह से बचे हुए भोजन का अवशोषण होता है तथा यह रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। अवशोषित पदार्थों का स्थानांतरण रुधिर वाहिकाओं द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक होता है, जहां उनका उपयोग जटिल पदार्थों को पचाने में किया जाता है। इस क्रम को स्वांगीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वांगीकरण। कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में हो जाता है और ऊर्जा मुक्त होती है। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता अथवा अवशोषण नहीं हो पाता, वेदांत में भेज दिया जाता है। त्रयता है बड़ी आंत आपका, जिसे वेदांत कहते हैं। क्षुद्रांत छोटी आंत की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है, लगभग 1.5 मीटर लंबी होती है। इसका मुख्य कार्य जल एवं कुछ लवणों को का अवशोषण करना है। बचा हुआ अपचित पदार्थ मलाशय में जाता है तथा अर्धठोस मल के रूप में बाहर निकल जाता है। समय समय पर गुदा द्वारा यह मल बाहर निकाल दिया जाता है, इसे हम लोग निष्कासन कहते हैं। खाद्य घास खाने वाले जंतुओं में पाचन की बात करें, क्या आपने गाय भैंस तथा घास खाने वाले शाकाहारी अन्य जंतुओं को देखा है? वे उस समय भी लगातार जुगाली करते रहते हैं जब वे खा ना रहे हों, खाना ना खा रहे हों। वास्तव में पहले घास को जल्दी जल्दी निकलकर आमाशय में के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। यह भाग रूमेन कहलाता है, प्रथम आमाशय कहलाता है। रूमिनेंट में आमाशय 4 भागों में बांटा होता है, बटा होता है। रोमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, जिसे जुगाल कहते हैं, खड़ कहते हैं। परंतु बाद में जंतु इसको छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है, जिसे वह चबाता रहता है। इस क्रम को रोमंथन कहते हैं या जुगाली करना कहते हैं। ऐसे जंतु रोमिनेंट अथवा रोमंती कहलाते हैं। ये आपकी गाय हो गई, तो यहां से चारा खा रही है, ग्रास की नली हो गई, ये रोबिन रोमैन हो गई, क्षुद्रांत हो गया, ये आपका आमाशय, अंधनाल और बेहनाल, यानी कि छोटी आंत बड़ी आंत, सॉरी ये छोटी आंतें बड़ी। दस्त, कभी कभी आपको जलरूपी पतले मल के बार बार निष्कासन की आवश्यकता होती है, इस स्थिति को हम लोग दस्त कहते हैं। क्या कहते हैं? दस्त, पेचिस भी बोलते हैं। यह संक्रमण खाद्य विषाक्तता अथवा आपच के कारण होता है। भारत में विशेषकर बच्चों में यह अति सामान्य स्थिति है। चरमावस्था में यह घातक भी हो सकता है। इसका मुख्य कारण शरीर से जल एवं लवण की अत्यधिक क्षति होना होता है। इसे सहजता से नहीं टालना चाहिए। चिकित्सक के पास जाने से पूर्व ही रोगी को उबालकर ठंडा किए हुए जल में एक चुटकी नमक एवं चीनी घोलकर पिलाना चाहिए। से जीवन रक्षक घोल अथवा ORS कहते हैं। कक्षा 10वीं तक आप लोग जब तक साइंस पढ़ोगे, मुझे लगता है डॉक्टर बना के छोड़ेगी ये साइंस, ठीक है? तो देगी आपको दस्त ठीक होने की, पेचिस ठीक होने की दवाई बता दी गई है, दवा, ठीक है, उपचार। घास में सेलुलोज की पिछुड़ता होती है, जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। किसी रोमिनेंट अथवा रोमंथी पशु, हिरन आदि के रूमेन में सेलुलोज का पाचन करने वाले जीवाणु पाए जाते हैं। बहुत से जंतु एवं मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते, क्योंकि इनमें जो सेलुलोज को पाचन करने वाले जीव नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। जानवर जैसे घोड़ा, खरगोश आदि में क्षुद्रांत एवं बेहदांत के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है, जिसे हम लोग अंधनाल कहते हैं। भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है, जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित रहते हैं, यानी कि उपस्थित नहीं रहते हैं। जब तक आप उन जंतुओं के विषय में पढ़ा है जिनमें पाचन तंत्र पाया जाता है, परंतु ऐसे बहुत से सूक्ष्म प्राणी हैं
जिनमें ना तो मुख होता है और ना ही पाचन तंत्र, फिर वे किस प्रकार भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं और उसका पाचन करते हैं? अमीबा में संवरण एवं पाचन। अमीबा जलाशयों में पाया जाने वाला एक कोशिक जीव है। अमीबा की कोशिका में एक कोशिका झिल्ली होती है, एक गोल सघन केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य बुलबुले के समान अनेक धनिया होती है, धामनिया। अमीबा निरंतर अपनी आकृति स्थिति बदलता रहता है, यह एक अथवा अधिक अंगुली के समान पिबल तक निकालता रहता है, जिसे पदाप अर्थात किंतिम पाव कहते हैं, जो इन्हें गति देने एवं भोजन पकड़ने में सहायता भी करते हैं। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों का आहार करता है। जब इसे भोजन का आवास होता है तो यह खाद कड़ के चारों ओर पदाप विकसित करके उसे निगल लेता है। खाद्य पदार्थ उसकी खाद्य धानी में फंस जाते हैं। यह आपका अमीबा केंद्रक हो गया, पदाप खाद्य कणिका, खाद्य धनिया बाही क्षेपित अवशिष्ट। खाद्य पदार्थ धानी में ही पाचक रस द्वारा रस स्रावित होते हैं। एक खाद्य पदार्थ पर क्रिया करके उन्हें सरल पदार्थों में बदल देते हैं। बचा हुआ खाद्य धीरे धीरे अवशोषित हो जाता है। अवशोषित पदार्थ अमीबा की वृद्धि, रख रखाव, गुणन के लिए उपयोग किए जाते हैं। बिना पचा अवशिष्ट खाद्य धानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। भोजन के पाचन का आधार विक्रम सभी प्राणियों में समान है, जिसमें खाद्य पदार्थ सरल पदार्थों में परिवर्तित किए जाते हैं एवं ऊर्जा मुक्त होती है। अगले अध्याय में आप आद द्वारा अवशोषित खाद्य पदार्थों का शरीर के अन्य भागों में स्थानांतरण के विषय में पढ़ेंगे। तो इस सब्जेक्ट इस अध्याय में हम लोगों ने क्या क्या देखा है, इन शब्दों की परिभाषाएं जानी। अगर आप लोग अध्याय पढ़ते हैं और ये सभी शब्द आप लोग समझ आ जाते हैं तो आपने अच्छे से सुना है, अच्छे से पढ़ा है। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार और पढ़िए। इसमें हम लोगों ने अवशोषण देखा है, एमिनो अम्ल देखा है, स्वांगीकरण देखा है, वृत्त रस देखा है, मुख गुहिका देखी है, रदनक देखा है, सेलुलोज देखा है, पाचन तंत्र, निष्कासन, वसाम, खाद्यदानी, पित्ताशय, कृंतक, अंतर्ग्रहण, यकृत, चर्वणक, ग्रसिका, अग्नाशय, अग्र चर्वणक, पदाप, रोमैन, रोमिनेंट, लाल ग्रंथी या लार ग्रंथि वो बोलते हैं, दीर्घ रोम। आपने क्या सीखा है इस अध्याय में, ये आपका पूरा निष्कर्ष है। जंतु पोषण में पोषण आवश्यकताओं, भोजन अंतर्ग्रहण की विधियां एवं शरीर में इनका उपयोग सम्मिलित है। आहार नाल तत्स्रावी ग्रंथियां संयुक्त रूप से मानव के पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। इसमें आपका मुख गुहिका, ग्रसिका, आमाशय, क्षुद्रांत जिसे छोटी आंत बोलते हैं, बेहदांत जिसे बड़ी आंत, जो मलाशय में समाप्त होती है, फिर आता है गुदा सम्मिलित है इसी में, पाचक रस स्रावित करने वाली मुख्य ग्रंथियां हैं लार ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय। अग्नाशय की भित्री एवं क्षुद्रांत की भित्ति की भी पाचक रस स्रावित करती है। विभिन्न जीवों में भोजन ग्रहण करने की विधियां भिन्न भिन्न है। पोषण एक जटिल प्रक्रम है जिसमें आपका अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण एवं निष्कासन शामिल होता है। मंडे जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में ही प्रारंभ हो जाता है। प्रोटीन का पाचन आमाशय में प्रारंभ होता है। यकृत द्वारा स्रावित पित्त अग्नाशय से अग्नाशयी स्राव एवं क्षुद्रांत भित्ति द्वारा स्रावित पाचक रस की क्रिया से भोजन के सभी घटकों का पाचन क्षुद्रांत में पूरा हो जाता है। जल एवं कुछ लवण वेदांत में अवशोषित होते हैं। अवशोषित पदार्थ शरीर के विभिन्न भागों को स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। बिना पचे अपशिष्ट जिनका अवशोषण नहीं होता है मल के रूप में गुदा द्वारा शरीर के बाहर निकाल दिए जाते हैं। गाय, भैंस, हिरण जैसे घास खाने वाले जंतु रोमंती रोमिनेंट कहलाते हैं। विपत्तियों का अंतर्ग्रहण तीव्रता से करके उन्हें निकल लेते हैं तथा रूमेन में भंडारित कर देते हैं। कुछ अंतराल के बाद भोजन पुनः मुख में आ जाता है और पशु धीरे धीरे जुगाली कर उसे चबाते हैं। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण पदार्थ की सहायता से होता है, इसका पाचन खाद्य धानी में होता है। ये आपके अभ्यास के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, लेकिन याद रखिए पीडीएफ में टेलीग्राम पर डाल दी गई है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए और रख लीजिए।
ठीक है, जिससे आपको सही सहूलियत हो। एक दो बार उससे पढ़ लीजिए बस, एक आध बार, एक बार सुन लीजिए लेक्चर, दूसरी बार उससे पढ़ लीजिए, बस आपका हो गया, इतना ही बहुत। ये सभी क्वेश्चंस था आपका दूसरा चैप्टर, प्राणियों में पोषण। अब बात करेंगे हम तीसरे चैप्टर में, रेशों से वस्त्र तक।